Hi guys, welcome to my YouTube channel Rambler Runner. मैं हूँ आपका host and दोस्त PC. So guys, I am back with yet another video. आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल रामले रनर को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस जो रेड रंग का आपको बटन दिख रहा है प्लीज उसको क्लिक कीजिए सो दैट यू आल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ माय YouTube फैमिली रामले रनर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ गाइस आपको दिख रहा होगा एक घंटे का बटन एक आपको दिख रहा होगा बेल आइकन गाइस उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं अपने चैनल रामले रनर पे कोई भी वीडियो अपलोड करूं सो गाइस आज की वीडियो की बात करते हैं आज है एक रेसिपी वीडियो हम बनाने वाले हैं एक हाई प्रोटीन पैक्ड वेजिटेरियन मील क्या बनाने वाले हैं हम बनाने वाले एक हाई प्रोटीन पैक्ड वेजिटेरियन सैंडविच सो गाइस पहले चेकआउट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद आवर रेसिपी सो गाइस मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आई एम यूजिंग 50 ग्राम्स ऑफ द सोय ग्रैनुल्स सो दिस इज 50 ग्राम्स ऑफ द सोय ग्रैनुल्स इन केस आपके पास में ग्रैनुल्स अवेलेबल नहीं है यू हैव गॉट द सोय नगेट्स तो आपको क्या करना है उसे या तो आप उसे क्रश कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास में आ जाएंगे क्रश करने के बाद में या आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं उस केस में वो एक बहुत ही ज्यादा फाइनली पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो वॉट एवर फॉर्म यू लाइक नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 स्लाइसेस ऑफ द ब्रेड मैंने व्हाइट ब्रेड यूज किए हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं या फिर आप होल व्हीट ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं होल ग्रीन ब्रेड ले सकते हैं आप तो यहाँ पर मैं क्योंकि दो सैंडविचेस बनाने वाले हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए हुए हैं नेक्स्ट गाइस मैंने यहाँ पर लिए हैं पालक के पत्ते मींस आई हैव टेकन सम फ्रेश स्पिनच लीव्स मैंने यहाँ पर एक अनियन को चॉप कर लिया दिस इज वन अनियन सिमिलरली मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया एक टमाटो को एक कुकम्बर को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है मेरे पास में 50 ग्राम्स ऑफ द लो फैट पनीर है दिस इज 50 ग्राम्स ऑफ द लो फैट पनीर आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं एल्स आप अमूल या मदर डेयरी का भी बाहर से खरीद सकते हैं नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑफ द पीनट बटर और मेरे पास में यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज हैं 2 चिलीज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स दैट यू नीड गाइस तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे हम अपने जो सैंडविच की है मेन फिलिंग उसको प्रिपेयर करेंगे उसके लिए वी आर टेकिंग द सोय ग्रैनुल्स और इस सोय ग्रैनुल्स को सबसे पहले क्या करना है आप देख सकते हैं गाइस ये कम्प्लीटली ड्राई है तो दिस इज ड्राई तो इसे आपको पहले सोक करके रख देना है थोड़ा सा क्वांटिटी में वाटर लीजिए उसको सोक करके रख दीजिए फॉर अराउंड 10 मिनट्स वंस इट इज सोक्ड आउट तो सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसको स्टिर फ्राई करना है स्टिर फ्राई के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अनियंस एंड टमाटोज बेसिकली हमें सब्जी बनानी है काइंड ऑफ विच विल बी द मेन फिलिंग सो गाइस सबसे पहले इसे सोक करते हैं एंड देन आई विल बी शोइंग यू कि कैसे हमें सोय ग्रैनुल्स की फिलिंग बनानी है उसे स्टिर फ्राई करना है सो गाइस हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो रहा है तो ऑयल के लिए मैंने क्या लिया है मैंने लिया है यहाँ पर 2 टीस्पून ऑफ द ऑलिव ऑयल तो यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा तो हम इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने जो हमने एक प्याज लिया था 1 चॉप्ड अनियन सबसे पहले तो जाएगा हमारे पास में अनियन और इसको थोड़ा सा हम स्टिर फ्राई करेंगे टिल द टाइम ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे अपने टमाटो तो सबसे पहले तो हमें अपने अनियंस को स्टिर फ्राई करना है टिल द टाइम दे गेट गोल्डन ब्राउन और गाइस ये आप देख सकते हैं जो सोए जो मेरे पास में ग्रैन्यूल्स थे उनको मैंने सोक करके रख दिया था पानी के अंदर तो नाउ दे आर सॉफ्ट पहले बहुत ज्यादा ड्राई थे मैंने इसके अंदर पानी के अंदर इसको सोक करके रख दिया था फॉर अराउंड 10-15 मिनट एंड फिर मैंने आप इसका पानी हमने क्या करना है इसका पानी हमने सारा का सारा निकाल देना है ये सोक हो चुके हैं काफी सॉफ्ट हो चुके हैं सो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारे अनियंस थे दे हैव बिकम गोल्डन ब्राउन और इट्स टाइम कि हम इसके अंदर क्या डालेंगे हम डालेंगे अपने टमाटो जो मैंने एक टमाटो चॉप कर लिया था तो अब टमाटो इसके अंदर डालने हैं एंड वंस अगेन हमें इसे क्या करना है स्टिर फ्राई करना है नेक्स्ट गाइज हम इसके अंदर डालेंगे जो मैंने 2 हरी मिर्च फाइनली चॉप कर ली थी अब वो डाल देंगे हम इसके अंदर नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या डालेंगे अपने सोय ग्रैन्यूल्स तो गाइस लास्ट चीज इसके अंदर हमें क्या डालनी है हमें इसके अंदर डालने हैं कुछ मसाले
मेरे पास में क्या क्या है, यहाँ पर मेरे पास में हल्दी पाउडर है तो इसके अंदर डाल दूंगा मैं हल्दी पाउडर थोड़ा। नेक्स्ट मेरे पास में लाल मिर्ची पाउडर है एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गाइज मसाले, अगर और चाहे आप चाट मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं इफ यू वॉन्ट, गरम मसाला आप डाल सकते हैं। मेरे पास में ये तीन मसाले अवेलेबल थे तो मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर एंड सम सॉल्ट टू टेस्ट। एंड गाइज दिस इज ऑलमोस्ट डन। सो गाइज एज यू कैन सी कि मेरी जो फिलिंग थी, मेन फिलिंग ऑफ द न्यूट्री ऑफ द सोया ग्रैन्यूल्स, वो बनके तैयार हो चुकी है। ये मैंने बना ली है। एंड ये मेरे पास में जो दो ब्रेड थी, मेरे पास में जो दो सैंडविचेस के लिए मेरे पास में स्लाइसेस थी ब्रेड की, उनको मैंने क्या किया, टोस्ट कर लिया हल्का सा ऑलिव ऑयल में। और जो पीनट बटर मैंने गाइस बताया था वो मैंने अप्लाई कर दिया, देख सकते हैं मैंने पीनट बटर लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, ये गाइस मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना रखी है तो सबसे पहले तो मैं ये लगा लूंगा थोड़ी सी, बिल्कुल हल्की सी लगानी है, ये स्प्रेड आउट कर लेनी है। पीनट बटर क्या करेगा गाइस, आपको एक क्रंची फ्लेवर देगा, और जो धनिया पुदीने की चटनी है ये बहुत ही खट्टी मिट्टी और बहुत स्वाद लगेगी आपके सैंडविचेस में, कॉम्बिनेशन इसका अल्टीमेट लगता है गाइस। नेक्स्ट गाइस मेरे पास में ये जो पालक के पत्ते हैं स्पिनच लीव्स, ये मुझे थोड़े से डालने हैं अपने, रख लेने हैं। एंड दिस विल बी द फिलिंग। एंड जो मेरे पास में पनीर के गाइस पीसेस थे मैंने उनको क्या कर लिया है, फाइनली उनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप आउट कर लिया है। इसको आपको करना है प्रेस। वंस अगेन द हरी चटनी। सो गाइस दीज आर माय मैसिव सैंडविचेस, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा फिलिंग की है। मैंने इसके अंदर जो सोया ग्रैन्यूल्स की मैंने बनाई थी सब्जी काइंड ऑफ, उसकी फिलिंग की है। अलोंग विद दैट मैंने इसके अंदर कॉटेज चीज मींस पनीर की मैंने फिलिंग की है, स्पिनच लीव्स इसके अंदर है, एंड दिस इज हाउ फाइनली इट लुक्स लाइक। और हाँ मैंने इसके अंदर धनिया पुदीने की चटनी भी लगाई थी, तो इसको हम लगा देते हैं इसके ऊपर टूथपिक, एंड दिस इज हाउ आवर फाइनल रेसिपी लुक्स लाइक। इजंट इट यम्मी गाइस। सो इसको सर्व कीजिए अलोंग विद, आप कोई भी जूस के साथ अलोंग सर्व कर सकते हैं। मैंने यहां पर बनाया है आम पन्ना, एंड दिस रियली इज अ कंप्लीट मील फॉर यू गाइस। सो दिस इज हाउ माई हाई प्रोटीन पैक्ड सैंडविचेस, वेजिटेरियन सैंडविचेस गाइस लुक्स लाइक। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, साथ ही इसे शेयर करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैंने ये रेसिपी बनाई थी उन फ्रेंड्स के लिए जो प्योर वेजिटेरियन हैं। आने वाले टाइम में गाइज आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज दोनों मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। उसके लिए क्या करना है गाइज, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ गाइज भूलिए ना कि आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय गाइज।